हेलो फ्रेंड्स, तो आज न्यू ब्लॉग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कल बताया था आपको कि मेरी बहन आ गई है आज घर पे, तो वो कल जाएगी, कल उनकी बस है, तो कल वो जाएंगे। अराउंड मुझे टाइमिंग का तो कंफर्म नहीं है, वैसे मैसेज आ गया है मेरे सिस्टर के पास, मैं जाऊँगी इस बार स्टेट। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था, मेरी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं और मेरी बहन 1 हफ्ते के लिए जा रही है। तो फाइनली गाइस, मेरे घर पे अभी सारे सो रहे हैं और मैं रात को नाइट में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो जैसा भी होता है सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में कि हमने क्या क्या सेलिब्रेट किया, और मेरे भैया, भाभी, मेरे भतीजा, भतीजी और मेरी मासी सब लोग बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ निकल रहे हैं जाएंगे, क्योंकि मेरी मासी सेवा में और मेरी भाभी भी इस बार सेवा में, तो वो दोनों सारे पहले ही जाएंगे। मेरी छोटी भाभी और मेरी भतीजी भतीजा वो सारे थोड़ा लेट जाएंगे, वो मतलब फैमिली के साथ जाएंगे और सेवा वाले पहले ही जाएंगे, ये आप सबको पता ही है जो निरंकारी लोग हैं। तो ये चीज़ें सबको, और जो भी जो नहीं आ पा रहे हैं वो उनको हम वीडियो में पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे, कोई एक भी चीज़ छूटे ना। और सॉरी, मैं सेवा में गई भी थी सेवा में गई थी, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई सेवा का। बट कोई बात नहीं, अब मौका हाथ से जाएगा नहीं कि हम आपको कोई चीज़ ना दिखा पाएँ। लाइक उस बीच में मेरी मम्मी भी, तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि मेरी मम्मी भी गई हुई थी सेवा में, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट कोई बात नहीं, माता जी सब ठीक करेंगे। और लाइक हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं बहुत ज़्यादा कि अब कल मेरी सिस्टर जा रही है, मेरा भाई और मैं और मेरी मम्मी हम थोड़ा लेट जाएंगे, तो बस माता जी यही करें कि हम भी टाइम से पहुँचें और सेवाएँ करें और सत्संग करें। तो धन्यवाद जी, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद जी।